ये मैनेजर हैं इधर के convenient persons from other country. ये बंदा यही काम कर रहा है, आपको फुल गारंटी देता हूँ 10 से 15 लोगों को जॉब लगवा चुका हूँ जी। मैंने आपकी वीडियो देखी है, ठीक है, आपसे मैनेजर साहब का मोबाइल नंबर लिया है तो मैं इधर आ गया हूँ और मेरी जॉब हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। कोई okay, मसला नहीं है, चले ठीक है, इसने भी आना, बेफिक्र हो गया है, कोई इशू वाली बात नहीं। Hey guys, welcome to Russia Vlog Series. उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जॉब इन रशिया, ओजोन वेयरहाउस जॉब इन रशिया, क्या जॉब अवेलेबल है? जी हाँ, बिल्कुल, आप कोई भी इंटरेस्टेड हो वो जाके जॉब कर सकता है। जैसा कि मुख्तलिफ सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आ रहे थे, क्या अभी जाके हम जॉब ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ओजोन वेयरहाउस अर्काडिया कंपनी का मैनेजर अभी भी कॉन्टेक्ट में है मेरे साथ, मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशन है तो फिर इतना इशू नहीं होगा। बाकी ओजोन में मैंने खुद काम किया हुआ है, प्रोसेस भी सारा मैंने उसमें वीडियो में शेयर किया हुआ है कि जॉब आपने कैसे करनी है, वो वीडियो जाके आप देख लेंगे। उसमें मैंने स्कैन किए हुए हैं प्रोडक्ट, जो स्कैनिंग वाली एक जॉब थी कैसे स्कैन किए जाते हैं वो भी मैंने एक छोटा सा आपको डेमो दिया है। जो दूसरी एक जॉब है पैकिंग जॉब है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, हर चीज़ मैंने उसमें शेयर की है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सैलरी का मैं बताता चलूँ, स्कैनिंग जॉब जो थी उसमें था कि जितनी आप प्रोडक्ट स्कैन करते हैं उस हिसाब से आपकी सैलरी बनती है, ठीक है। यू कैन अर्न एवरी डे फ्रॉम 2000 टू 500,000 अगर आप शुरू में टाइम अगर जो आप लगाएंगे ज्यादा टाइम लगाएंगे प्रोडक्ट कम निकालेंगे, कम कमाएंगे, क्यों? कि आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा। दो हफ्ते लगाने के बाद जो अगर बंदे हैं वो 5,000 से 6,000 रूबल इजीली अर्न कर लेते हैं। वीडियो में मैंने सारा बताया है कि एक हर आइटम का उन्होंने प्राइस फिक्स की हुई है। छोटा आइटम है तो एक प्रोडक्ट उठाने से 1 रूबल मिलेगा, बड़ा आइटम है तो एक प्रोडक्ट उठाने से 10 से 12 रूबल भी मिलते हैं। इस तरह अगर आप तकरीबन कोई हज़ार अगर आप कर लेते हैं, प्रोडक्ट स्कैन कर लेते हैं, एवरेज अगर ये हर प्रोडक्ट की 5 रूबल हो जाए तो 5,000 रूबल हो जाती है। लेकिन 1,000 प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको 2 हफ्ते का एक्सपीरियंस चाहिए। शुरू में मैं गया था तो मैं हार्डली 2,500 से 3,000 प्रोडक्ट स्कैन कर रहा था क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। तो एक्सपीरियंस हो जाए तो आप 5,000 से 6,000 रूबल ईजिली स्कैनिंग जॉब से कर सकते हैं। बाकी जो है फिक्स सैलरी जॉब जो है पैकिंग जॉब है, पैकिंग जॉब में 2,500 रूबल पर डे देते हैं, वो अगर आप वो करना चाहें तो वो भी जाके आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि अकोमोडेशन वो प्रोवाइड करते हैं, महीने के बाद जब सैलरी आती है फिर आपसे 5,000 रूबल उसका डिटेक्ट कर देते हैं, ठीक है, अकोमोडेशन वो खुद प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा उधर से जो अकोमोडेशन है जहां उनके रूम है उधर से जो पुष्किनो वेयर हाउस तक बस सर्विस है वो फ्री है, वो आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। बस सुबह सुबह उधर से निकलती है और जाके आपको उधर छोड़ेगी भी, और जब उधर से आप ऑफ हो जाएगा आपको वापस रूम पर भी लेके आएगी, उस बस का कोई रेंट वगैरह आप पे नहीं करेंगे। इसके अलावा फूड के बारे में मैंने बताया था, फूड एक टाइम का फूड फ्री होता है, वेयर हाउस के अंदर होगा। बाकी इसके अलावा हॉस्टल के अंदर आप उनको उन्होंने शेफ रखी हुई है, औरत रखी हुई थी है तो वो आपको खाना बना के देगी। आप जब आपकी सैलरी आएगी 5,000 ही फूड का है, 5,000 आप फूड का उनको दे देंगे, वो आपको खाना बना के दे देगी। किचन बना हुआ है, अगर आप खुद खाना बनाना चाहें तो आप खुद भी खाना बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने उधर मजीद एक्सप्लेन की हुई हैं, अगर आपको कोई इस तरह का चीज़ों की और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप वो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्टली क्वेश्चन है सब्सक्राइबर का कि वो पासपोर्ट ले लेते हैं, देखें अर्काडिया कंपनी जिसका मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ, जिसका मैनेजर मेरे कॉन्टैक्ट में है, वो आपसे पासपोर्ट कभी नहीं लेंगे। मेरे से भी पासपोर्ट नहीं लिया, आपसे भी नहीं लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ वो आपसे पासपोर्ट नहीं लेंगे। देखें मैंने जैसे बताया था ओजोन के अंदर 21 कंपनीज हैं जिसमें से अर्काडिया एक कंपनी है जहाँ मैंने काम किया है। एक और कंपनी जिसके बारे में मैंने बताया था आर्ग्यूमेंट कंपनी, वो वीज़ा स्पॉन्सर करती है, ठीक है। हर वो कंपनी जो वीज़ा स्पॉन्सर करेगी ना, जैसे ही आप जाएंगे आपसे पासपोर्ट ले लेंगे। आप देखें उनके वीज़ा पे जाकर आप कहीं और जगह पे अगर जॉब करना शुरू कर दें तो उनको फ़ायदा क्या हुआ आपको वीज़ा देने का। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो अपने वीज़ा पे बुलाते हैं लोगों को, फिर आते ही उनसे पासपोर्ट ले लेते हैं, जितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट होता है उतने टाइम की जॉब करनी पड़ती है। जो उधर इंडियन लोग जो थे उधर आए हुए थे आर्ग्यूमेंट कंपनी के पास, उनसे पासपोर्ट लिया हुआ था वाकई, क्यों? मैंने उनसे पूछा ना, वो बोला कि नहीं अभी हम कहीं और जॉब नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पासपोर्ट इन्होंने लिया हुआ है। ऐसे तो फिर उनके वीज़ा पे आप चले जाएं, कोई आपका एक्सपेंस ना हो, उधर जाके आप कोई और जॉब करने शुरू कर दें, फूड डिलीवरी करना शुरू कर दें या कुछ, इसलिए उनको क्या फायदा होगा। इसलिए जो अर्काडिया कंपनी है ये तो क्योंकि वीजा स्पॉन्सर ही नहीं करती, इसलिए इन्होंने आपसे पासपोर्ट लेना ही नहीं है।
इसलिए इसको आपको अपने वीजा पे जाना पड़ेगा। आप रशिया में ऑलरेडी हैं तो बेस्ट है, जाएं आज ही जाएं, जाके उनसे मिले और कार्डिया कंपनी के मैनेजर से मिले, मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा पहले, मैंने एड्रेस वगैरह सेंड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, जाके आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, मोस्टली इधर से जो मेरे कमेंट्स आते हैं, मैं आपको वंस अगेन बताता चलूँ, ये आपको वीजा स्पॉन्सर नहीं करेंगे, अर्कालिया कंपनी आपको वीजा स्पॉन्सर नहीं करेगी। इसके लिए आपको अपने वीजा पे जाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हैं, जैसे स्टूडेंट अपने स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं, टूरिस्ट जैसे अपने विजिट वीजा पे जाते हैं, ठीक है, तो वो जाके ये जॉब इजीली कर लेते हैं, ये आपको वीजा स्पॉन्सर कभी नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। जो उधर रशिया में ऑलरेडी अवेलेबल है उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उधर है, वो जाके वो इजीली जॉब कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा टाइम हुआ तो मैं आपको उसी वक्त रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज जब ज़्यादा कमेंट्स हो जाएंगे मैं उन पे एक मजीद वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीक।